गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली 16.3 है, वो कंप्लीट हो गई थी। अब बात करेंगे हम 16.4 की। तो 16.4 है, उसमें हम एक तो यादृच्छिक चर है उसके बारे में बात करेंगे, एक प्रायिकता बंटन और एक माध्य और एक उसका प्रसरण, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं वो लिखें आप। पहले लिखें यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर। अगर इसकी हम साधारण भाषा में बात करें तो यादृच्छिक चर किसको कहेंगे, किसकी ओर संकेत करेगा। जैसे मैं कहूं कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, एक पासे को दो बार उछाला जाता है, तो समष्टि में एलिमेंट कितने होते हैं हमारे पास, 36 होते हैं। या यूं कहूं कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो समष्टि में एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो यादृच्छिक चर है वो उस बात की ओर संकेत करता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है या पासा है या सिक्का है उसको कितनी बार उछाला, उन उछालों की संख्या है वो यादृच्छिक चर होती है। और यादृच्छिक चर को किससे दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, इसका मतलब यादृच्छिक चर का मान हो गया 0, 1 और 2। यानी जो उछाल है ना उनकी संख्या ही क्या होती है, यादृच्छिक चर होती है, लेकिन उसका मान कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसका मतलब यादृच्छिक चर का मान होगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये तो साधारण समझने के लिए बात हो गई, बाकी परिभाषा आपको कोई नहीं पूछेगा। तो यादृच्छिक चर हमेशा आपको किससे लेना है, उछालों की संख्या से लेना है, और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, जितनी उछाल है वहाँ तक। तो हम कहेंगे कि कैपिटल एक्स बराबर 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखें इसकी। इसमें लिखें एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है, यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक का प्रतिदर्श समष्टि होता है, किसी यादृच्छिक का प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब ये यादृच्छिक क्या है, यादृच्छिक का मतलब जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के को दो बार उछाला, इसका मतलब सिक्के को उछालना यादृच्छिक घटना क्या होती है भाई, किसी सिक्के को उछालना, किसी पासे को उछालना, वो क्या है अपनी यादृच्छिक घटनाएं हैं। तो ये कह रहा है कि किसी यादृच्छिक का प्रतिदर्श समष्टि होता है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है, यानी कुल स्थितियां कितनी हैं। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, दो बार उछालते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि में एलिमेंट कितने आएंगे, 4। ठीक है, तो हमें यादृच्छिक चर से मतलब लेना है कि उछालों की संख्या कितनी है और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। फिर लिखिए यादृच्छिक चर को कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं, ये बड़ा एक्स लिखना है, कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं उदाहरण लिखें एग्जाम्पल के लिए, एक सिक्के को दो बार उछालने पर यादृच्छिक चर x बराबर 0, 1, 2, यादृच्छिक चर x बराबर 0, 1, 2। 5 बार उछालेंगे तो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक चले जाएंगे, 5 तक चले जाएंगे। तो एक प्रकार से उछालों की जो संख्या है उसको 0 से स्टार्ट करना है और जितनी उछालें वहाँ तक लिखना है, ये हमारा क्या हो गया, यादृच्छिक चर। इसके बाद लिखें यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन। अब यादृच्छिक चर x आ गया, उसकी प्रायिकता बंटन है वो क्या होगी, इधर ध्यान दो। जैसे हमारे पास यादृच्छिक चर है कैपिटल x और इसके मान अभी मैंने लिखा था 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखा था। अब यहां देखो यादृच्छिक चर x है, उसके मान मान लिए मैंने x1 है, x2 है, x3 है
और डैश डैश आगे भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ पी एक्स, यहाँ क्या है पी एक्स है। अब पी एक्स का मतलब क्या है, जो यादृच्छिक चर x है उसकी क्या है ये प्रायिकता है। अब x1 है उसकी प्रायिकता है उसको मान ले हम पी एक्स वन, एक्स टू है उसकी प्रायिकता क्या मान लें पी एक्स टू, और ये पी एक्स थ्री, ठीक है। तो यादृच्छिक चर के जो मान हैं उनकी संगत प्रायिकता है वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रायिकता बंटन कहलाएगी। भाई यादृच्छिक चर x था, अभी मैंने कहा था कि एक सिक्के के लिए कि भाई जीरो एक और दो, ये हो गया। अब ये जीरो कौन है इसके लिए आपको देगा कि भाई चित्तों की संख्या है या एच है या टी है, हेड है या टेल है, तो उनकी संख्या के हिसाब से इनकी क्या मिलेगी हमें प्रायिकता मिलेगी। तो इन यादृच्छिक चरों के संगत जो प्रायिकता होती है वही क्या कहलाती है, हमारी प्रायिकता बंटन कहलाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई इन प्रायिकता बंटनों का योगफल होता है ना, इनका पी एक्स वन पी एक्स टू पी एक्स थ्री इनका मान है, इनका योगफल है वो हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए यानी इनकी प्रायिकताओं का योग, यानी प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है एक और न्यूनतम कितनी होती है जीरो, तो इनका योग भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि भाई इन जो ये प्रायिकताएं मिलेगी आपको x1 की पी एक्स वन, एक्स टू की पी एक्स टू, एक्स थ्री की पी एक्स थ्री, इनका मान भी क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो स्टार्टिंग की क्लास में हमारी बात हो गई थी कि प्रायिकता का मान किस और किसके बीच होता है, जीरो और एक के बीच होता है, यानी अधिकतम मान तो कितना हो सकता है, एक हो सकता है, और न्यूनतम कितना, जीरो। तो इनका मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखेंगे वो क्या कहलाएगा इसका, यानी ऊपर तो यादृच्छिक चर लिखेंगे एक्स और नीचे उनकी क्या लिखेंगे, संगत प्रायिकता लिखेंगे। तो ये सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रायिकता बंटन कहलाएगा, ठीक है। लिखें इसको, अभी एग्जाम्पल दूंगा इसका और समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा में लिखें, किसी यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स, किसी यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स की प्रायिकता बंटन, की प्रायिकता बंटन संख्याओं के, संख्याओं का निम्न निकाय होता है, संख्याओं का निम्न निकाय होता है। अब निम्न निकाय है उसमें क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे ऊपर तो x लिखोगे और नीचे लिखोगे इसके p1 p2 और p3, ये लिखोगे ये x और नीचे। अब p1 p2 p3 क्या है, x1 है उसकी प्रायिकता p1 है, x2 है उसकी प्रायिकता p2 है, x3 है उसकी प्रायिकता क्या है p3 है। जहां pi greater than 0, pi का मतलब 1 2 3 i, यहां लिख देना i बराबर 1 2 3। जैसे i का मान एक रखा p1 मिल गया, आई का मान दो रखा टू मिल गया, थ्री रखा थ्री मिल गया, तो ये पी आई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी इनकी प्रायिकता है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तथा समेशन पी आई बराबर वन, यानी ये जितने भी यादृच्छिक चर आएंगे उनकी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रायिकता बंटन कहलाएगा, ठीक है। तो निम्न निकाय होगा और इसमें आप ये बातें लिखें, इसके बाद लिखें आप माध्य और प्रसरण बाद में लिखाता हूं, पहले इसके एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देखें आप, 22 नंबर एग्जाम्पल देखें, 22 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, यादृच्छिक चर भी क्लियर हो जाएगा और उसका बंटन है वो भी क्लियर हो जाएगा, नहीं है, है? इसमें आपको एक टेबल दी हुई है।
आपको ये कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर एक्स का प्रायिकता बंटन नीचे दी गई सारणी में दे रखा है। देखो ये सारणी हमें इस प्रकार से दे रखी है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर कितना है 22। आपको एक तो कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स जहां कहीं भी आपको दिख जाए इसका मतलब इसको क्या समझना है, ये यादृच्छिक चर है हमारा, ठीक है। और इनके संगत ये पी एक्स होता है, यानी इनकी प्रायिकताएं होती हैं। तो आपको दे रखा है यादृच्छिक चर का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7, ये यादृच्छिक चर x का मान दे रखा है, आपको दे रखा है। अब इनकी प्रायिकताएं हैं वो आपको दे रखी हैं 0k 2k, यहां भी 2k, फिर 3k, के स्क्वायर, फिर दे रखा है 2k स्क्वायर, और सातवें में दे रखा है 7k स्क्वायर प्लस k। ये कह रहा है, अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है के का मान बताओ, किसका मान बताओ भाई। ये क्या है, हमारा प्रायिकता बंटन हमें दिया हुआ है, ऊपर तो हमारा यादृच्छिक चर है और नीचे उनकी संगत क्या दे रखी है, प्रायिकताएं दे रखी है, और आपको किसका मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। तो अभी हमने जो प्रायिकता बंटन है उसकी डेफिनेशन लिखी थी, उसमें यह लिखा था हमने कि ऊपर यादृच्छिक चर होता है, नीचे उसकी प्रायिकताएं होती हैं, जिनका नाम P1, P2, P3, P4 था। साथ में ये कहा था कि P1, P2, P3, P4 हैं उनके मान हमेशा धनात्मक होने चाहिए, और दूसरी बात ये भी कहा था कि P1, P2 यानी समेशन PI है उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब इस प्रायिकता से लेके इस प्रायिकताओं का योगफल है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से K का मान ज्ञात करने के लिए हमारा ये नियम काम करेगा कि समेशन PI बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये P1 है, ये P2, P3, P4, P5, P6, ये 7 और ये कितनी हो गई 8, यानी इन के वाले पदों को सभी को जोड़ेंगे और किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि प्रायिकता बंटन की परिभाषा में ये लिखा हुआ मिला था हमें कि PI है उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, K का मान मिल जाएगा। तो इन सब का योग करो और उसको किसके बराबर रखो, 1 के बराबर रखो, जोड़ो कितना आएगा, ये हो गया 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस का 7k स्क्वायर प्लस k, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हो गया, अब जोड़ो इनको, स्क्वायर वाले जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 2 कितने हो गए, 10k स्क्वायर। अब k वाले जोड़ो, k वाले जोड़ेंगे 1 2 और 2 4 1 5 5 और 3 8 8 1 9 प्लस का 9k, ठीक है। और इस 1 को इधर ले आया, -1 = 0 हो गया। अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करो इसके, ये हो गया 10k स्क्वायर प्लस 9k, ऐसे टुकड़े करो जिसको जोड़ने पे तो 9 आए और गुणा करने पर कितने आए, 10 आए, माइनस के 10 आए, ये तो होगा। बोलो टुकड़े क्या होंगे इसके, नौ के टुकड़े बताओ गुणनखंड में भाई। एक तो 10 5 × 2 होता है, ये होता है, और इसको इतना लिख दूं मैं, 10 × 1 = 10 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 10k और माइनस का k -1 = 0। देखो इसमें से इसको घटाऊंगा 10k में से 1k, तो प्लस का 9k बच गया, गुणा करूंगा इन दोनों को तो माइनस का 10k² आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहां से हमने क्या कॉमन लिया, 10k कॉमन लिया, तो यहाँ k और यहाँ +1, ठीक है। फिर -1 कॉमन ले लिया तो k+1 = कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से k+1 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा, यहाँ से -1 कॉमन लिया है तो 10k माइनस
वन बराबर जीरो, यानी के बराबर एक तो माइनस वन आ गया और एक के बराबर आ गया एक बटा दस। ये हमारे किसके मान आ गए, के मान आ गए। अब देखो यहां समस्या आ गई हमारे कि भाई के दो मान आ गए हमारे पास, एक तो कितना माइनस वन और एक एक बटा दस। अगर के का मान अगर मैं यहां माइनस वन रखूं, के का मान यहां माइनस वन रखूं, क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने ये लिखा था कि जो हमारा पी आई है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। इसका मतलब के है वो इसकी प्रायिकता है, टू के इसकी है, थ्री के इसकी है, फोर के इसकी है, स्क्वायर वाले में तो फिर से माइनस प्लस हो सकता है। लेकिन यहाँ के का मान रखेंगे तो इसकी प्रायिकता भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव है, इसकी भी नेगेटिव। इसका मतलब ये प्रायिकता बंटन ही नहीं है। क्या नहीं है? प्रायिकता बंटन ही नहीं है। क्योंकि प्रायिकता बंटन के लिए हमने ये लिखा था कि यादृच्छिक चर x होना चाहिए, उसकी प्रायिकता होनी चाहिए, प्रायिकता नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और प्रायिकताओं का योगफल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बस इतनी सी बात ही है प्रायिकता बंटन के लिए। तो ये बात अगर हम k का मान माइनस वन लेते हैं तो ये हमारी कंडीशन फेल हो रही है। यहाँ यह आएगा माइनस वन या माइनस टू या माइनस थ्री या माइनस फोर, इन सब की तो प्रायिकता कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। इसका मतलब k का मान क्या नहीं हो सकता, माइनस एक नहीं हो सकता। तो यहां लिखेंगे कि k है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये मान k का नहीं हो सकता। तो हमारा k का सही मान कौन सा आ गया, एक बटा दस आ गया, आ गया एक बटा दस। अब ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन था, उसकी बात हो गई, यानी पहला पार्ट पूछा उसको हल कर दिया, हमारे पास ये स्थिति बन गई। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में आपको ये कह रहा है कि p और x लेस देन सिक्स, पी एक्स लेस देन सिक्स। इसका मतलब समझना है x लेस देन सिक्स यानी यादृच्छिक चर है उसका मान कितने से छोटा होना चाहिए, छह से छोटा होना चाहिए, छह से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या करोगे, पी एक्स बराबर जीरो पर इसकी प्रायिकता, पी एक्स बराबर वन पर, टू पर, थ्री पर, फोर पर, फाइव पर, क्या सिक्स भी शामिल होगा क्या? नहीं होगा। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह होता तो छह शामिल होता, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है इसका मतलब छह शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रायिकताओं का क्या ज्ञात करना, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो पी लेस देन सिक्स बराबर हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर एक, पी एक्स बराबर दो, प्लस पी एक्स बराबर तीन, प्लस पी एक्स बराबर फोर, और प्लस पी एक्स बराबर फाइव। यानी इन सब की प्रायिकताओं का क्या करना, हमें योग करना है। ठीक है, के का मान हमें मिल ही गया, यहाँ रख के इसकी प्रायिकता लिख देंगे सीधी। बोलो जीरो की प्रायिकता कितनी है, अरे पी एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब इस जीरो की प्रायिकता देख के लिखनी है यहाँ। इसका मतलब पी एक्स बराबर जीरो का मतलब है कि एक्स बराबर जीरो पर उसकी प्रायिकता कितनी है वो लिखनी है। x बराबर एक है, x बराबर एक पर प्रायिकता कितनी है इसकी, k है ना, k का मान आ चुका है हमारे पास कितना, एक बटा दस। तो सीधा यहाँ कितना लिख देंगे, एक बटा दस। प्लस पी एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो पर देखो 2k है ना, k का मान कितना है, एक बटा दस। तो इसका मान हो गया कितना, दो बटा दस। तीन के लिए देखेंगे तो तीन के लिए भी उतनी ही है, तो यहाँ भी कितना हो गया, दो बटा दस। फिर चार के लिए देखेंगे तो चार के लिए कितना है, तीन के, तो कितनी हो गई, तीन बटा दस। और प्लस पाँच के लिए देखेंगे तो के स्क्वायर, के स्क्वायर का मतलब एक बटा सो हो गया, ये तो हुआ। तो इन सब का योग कर देंगे, वही हमारा किसका मान है, पी एक्स लेस देन सिक्स, पी एक्स लेस देन सिक्स। तो इनका जोड़ करो कितना आता है, लघुतम कितना आ जाएगा, सो आ जाएगा क्या, इनका लघुतम कितना आ गया, 100। तो ये तो जीरो ही है हमारा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये एक रह गया, यानी 30 30 60, 60 80 81 बटा 100 आ गया। कितना आ गया, 81 बटा 100 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमको जो यहाँ समझना है, इसका मतलब जिसके समझ में आ गया ना, प्रश्न में ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो x लेस देन 6 इसका मतलब 6 से छोटी जितने भी प्रायिकताएं हैं हमारे पास उनका योग लिखना है। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका और है इसका,
दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका यह है कि देखो हमें किस तक का मान पूछ रहा है, एक से पांच तक का पूछ रहा है, तो इतने जोड़ बाकी करने पड़े हमें, ठीक है। तो दूसरा तरीका यह है कि भाई हम क्या करें, छह और सात का निकाल लें, छह और सात का निकाल लें, और हम ये जानते हैं कि भाई प्रायिकताओं का योगफल कितना है, एक है ना, इसका मतलब छह और सात का निकाल लें और उसको किस में से घटा दें, एक में से घटा दें। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी एक्स लेस देन सिक्स है, इसका मतलब एक माइनस पी एक्स बराबर सिक्स और प्लस पी एक्स बराबर सेवन, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई x बराबर छः पर प्रायिकता का मान निकालेंगे और x बराबर सात पर प्रायिकता का मान निकालेंगे और उसको किस में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे, देखना यही उत्तर आएंगे। ये तो हमारा एक हो गया, माइनस पी एक्स बराबर सिक्स, ये रहा सिक्स, इस पे कितना लिखोगे k का मान, दस लिखोगे, दस का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, सौ हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया, दो बटा सौ आ गया, कितना आ गया, दो बटा सौ, प्लस इसका कितना आ जाएगा, एक तो आ गया इसका सात बटा सौ और प्लस एक बटा दस, यही तो बना। अब इसको देखो हल करो, इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना हो गया, सौ हो गया, तो यहां तो कितना हो गया, सौ हो गया एक की जगह, तो अरे इसका भी लघुत्तम आएगा इधर, तो ये कितना हो गया सौ, ये हो गया माइनस का दो, और ये देखो इसके साथ माइनस है, इसका मतलब आगे वाले सारे माइनस के हो जाएंगे, तो ये भी कितना हो गया माइनस के सात, और प्लस माइनस का ये कितना हो गया दस, तो यहाँ से हमारे पास हो गया सौ माइनस ये कितना हो गया दस और नौ उन्नीस हो गए, तो ये कितना हो गया उन्नीस और बटा सौ, यानी वही हमारे पास कितना आ गया, इक्यासी बटा सौ आ गया। तो अगर आपके पास ऐसा मेथड भी हम अपनाएंगे, कब अपनाएंगे, जैसे आपको x के मान कहां से कहां तक दे दिए, जीरो से दस तक दे दिए, ठीक है, और आपको प्रश्न पूछ लिया कि x less than 9, इसका मतलब एक तरीका तो है ये कि हम जीरो से लेके आठ तक के जोड़ें, जीरो से लेके आठ तक के जोड़ें, और एक नौ और दस का ज्ञात करके एक में से घटा दें, तो आसान कौन सा रहेगा, वो रहेगा ना छोटा सा, तो दोनों तरीकों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके हमारे क्या हैं, सही हैं। तो इसको दोनों तरीके से लिख लेना, सेकंड को एक तो ये और यही सेकंड है हमारा, या इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट देखें, ये दो पार्ट कंप्लीट उतारे आप, इसके बाद तीसरा पार्ट करता हूं मैं। अब देखें इसका तीसरा पार्ट, के का मान हमारा एक बटा दस है, इतना सा ध्यान रखना है। फिर तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में आपको ये कह रहा है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल सिक्स, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल सिक्स, इसका मतलब समझना है फिर से कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल सिक्स, इसका मतलब छः भी शामिल है और उससे बड़े जितने भी मान हैं वो भी शामिल है। तो देखो बराबर का चिन्ह आ गया ना, तो छः और सात पे मान निकालना है, तो छः और सात पे वो पड़ा मान है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे हम पी एक्स बराबर छः और प्लस पी एक्स बराबर सात। तो पी एक्स बराबर छः है, उसकी प्रायिकता ये रही हमारे पास कितनी, दो बटा सौ, ये हो गई दो बटा सौ, प्लस इसका मान है हमारे पास सात बटा सौ प्लस एक बटा दस, यही तो है। अब इसको हल कर दो, हल करेंगे तो वही लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास, सौ, ये हो गया दो प्लस सात प्लस दस, यानी उन्नीस बटा सौ, कितना आ गया उन्नीस बटा सौ। और लास्ट केस चौथा है इसका, आपको कह रहा है कि पी जीरो लेस देन एक्स और लेस देन फाइव,
यानी x का मान किस और किसके बीच में है, 0 और 5, यानी न 0 है न 5 है। इसका मतलब हमें किस किस का मान निकालना है, पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 और प्लस पी एक्स बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी टीप के लिखेंगे, 1 की प्रायिकता कितनी है, k है, यानी 1/10। एक्स बराबर 2 की कितनी है, 2/10। 3 की कितनी है, 2/10। और 4 की कितनी है, 3/10। लघुत्तम हमारे पास 10 आ गया। ये हो गया 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8। 8/10 यानी 4/5। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 था, उसके 4 पार्ट हमने देख लिए। तो कैपिटल एक्स है वो यादृच्छिक चर है, और उस नीचे उसकी जो प्रायिकता दे रखी है वो उसका क्या कहलाएगा, तो ये पूरा सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रायिकता बंटन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा प्रायिकता बंटन की बात। अब दो बातें और लिखेंगे हम, माध्य और प्रसरण, क्योंकि प्रश्न आता है ना उसे एक प्रश्न में चारों बातें पूछेगा आपसे। आपको कहेगा क्या ज्ञात करो, प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के बाद कहेगा माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के बाद कहेगा प्रसरण ज्ञात करो, और प्रसरण के साथ ही मानक विचलन भी पहुंच लेगा। ठीक है, तो ये चारों चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट हमारा जो था प्रायिकता बंटन, वो तो हमने देख लिया कि इस प्रकार से हम प्रायिकता बंटन याद करते हैं, यानी यादृच्छिक चर x उसकी जो प्रायिकता लिखी जाएगी वो तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रायिकता बंटन कहलाएगा। अब प्रायिकता बंटन के लिए ये कंडीशन ना इसका ध्यान रखना है, एक तो पी आई है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक पी आई बराबर 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन संतुष्ट आपकी नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये दिया गया सिस्टम है वो प्रायिकता बंटन में नहीं है। जैसे किसी की नेगेटिव प्रायिकता दे देगा और आपको कहेगा कि जांच करो ये प्रायिकता बंटन है या नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही चेक करनी है आपको, एक तो प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये प्रायिकता बंटन में नहीं है। अगर किसी की आपको ऋणात्मक प्रायिकता दिख रही है तब भी हम उसकी शक्ल देख के कह देंगे कि ये प्रायिकता बंटन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रायिकताओं का योगफल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और प्रायिकताओं का योगफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये सिस्टम है तो वो प्रायिकता बंटन में है, अन्यथा प्रायिकता बंटन में नहीं है। जैसे आप अपने क्वेश्चन देखे पहले प्रायिकता बंटन के, इसमें आपको यही जांच करवा रहा है कि ये प्रायिकता बंटन में है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सा एक यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। कि भाई यादृच्छिक चर x दिया हुआ है और साथ में उसकी प्रायिकता दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि कौन से तो प्रायिकता बंटन में है और कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें पहले, फिर चलता हूं मैं माध्य और प्रसरण पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी प्रश्नावली का, और उसका भी फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको यादृच्छिक चर एक्स और उनके संगत क्या दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है। तो यादृच्छिक चर एक्स है उसका मान है 0, 1 और 2, और इनके संगत प्रायिकता है 0.4, 0.4 और 0.2। अब आप लोग बताएंगे कि भाई ये प्रायिकता बंटन में है या नहीं है। तो इसके लिए दो पहचान बताई, सबसे पहली तो हमारा पी आई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। साफ दिख रहा है कि कोई भी प्रायिकता है वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन तो संतुष्ट हो गई। दूसरी बार हम चेक करेंगे समेशन पी आई बराबर 1। देखो देखें 0.4 + 0.4 + 0.2, तो 0.8 × 2.10, यानी 1 पॉइंट कितना हो गया, 0। 1.0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब ये क्या है, प्रायिकता बंटन में, प्रायिकता बंटन में है। ठीक है, तो ये चेक करना था इसको कि ये प्रायिकता बंटन में है या नहीं। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको एक्स दे रखा है 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 प्रायिकता दे रखी है इसकी 0.6,
और दूसरे वाले की दे रखी है 0.1 और इसकी दे रखी है 0.2। ये हमारा क्या हो गया, पी एक्स हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे पी आई ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही बात है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। इसके बाद बात करें इनके योग की, फिर देखें हम पी आई बराबर एक, इसका मतलब 0.6 प्लस 0.1 और प्लस का 0.2, 0.9 इज नॉट इक्वल 1। क्या ये प्रायिकता बंटन है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रायिकताओं का योगफल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, जबकि यहाँ तो एक आ गया था, लेकिन यहाँ 0.6, 0.1 और 0.2 इसका योग कितना आया हमारे पास, 0.9, जो कि एक नहीं है, 0.9 रह गया। इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रायिकता बंटन में नहीं है, प्रायिकता बंटन में नहीं है। ये हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। भाई प्रायिकताओं का योगफल एक आना चाहिए, एक आ रहा है तो प्रायिकता बंटन में है, एक नहीं आ रहा तो नहीं है, तो इसका जोड़ है वो एक नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा इसका मतलब ये किस में नहीं है, प्रायिकता बंटन में नहीं है। ऐसे इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में तो केवल शक्ल देखने से ही पता लग रहा है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे लगा पता, कि भाई जो हमें यादृच्छिक चर 0, 1, 2, 3 और 4 दे रखा है उसमें x बराबर 3 है, उसकी प्रायिकता ऋणात्मक दिखा रखी है। कैसी दिखा रखी है, ऋणात्मक, तो तीसरा भी किसमें नहीं है, प्रायिकता बंटन में नहीं है। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन से संबंधित इस प्रकार से हम उसको चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना, तो ये था हमारा प्रायिकता बंटन। और इसके बाद लिखे आप अब इसके बाद लिखिए यादृच्छिक चर का माध्य। यादृच्छिक चर का माध्य या यादृच्छिक चर का माध्य या प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान माध्य या प्रत्याशा मान, माध्य को क्या कहते हैं, प्रत्याशा भी कहते हैं, और इसका संकेत है वो आपको ये मिलेगा ई एक्स। संकेत क्या मिलेगा, ई एक्स मिलेगा। अब देखो ये प्रत्याशा मान क्या होता है, अब जिसको प्रायिकता बंटन निकालना गया वो आराम से प्रत्याशा मान निकाल लेगा। भाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को माध्य या प्रत्याशा मान निकालना है इसका मतलब उसको पहले प्रायिकता बंटन आना चाहिए। कैसे, अब ये देखो प्रत्याशा मान है वो किसके बराबर होता है, इसका संकेत आपको मिलेगा ई एक्स या फिर म्यू मिल सकता है, जो होता है हमारा समेशन आई बराबर 1 to n एक्स आई पी आई। क्या होता है, एक्स आई पी आई। अब इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब समझो, देखो ये तो हमारा यादृच्छिक चर है x1 x2 x3, ये पी एक्स हो गया इसका, इसके संगत p1 मान लिया, इसको p2 मान लिया और इसको p3 मान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि यादृच्छिक चर x ई एक्स या म्यू है वो क्या होता है, समेशन i बराबर 1 to n, यानी जितने आपके पास यादृच्छिक चर है ना उनको उनकी संगत प्रायिकता से गुणा करके और फिर क्या करना, उसका समेशन का मतलब जोड़ होता है, तो उसको क्या करना है, जोड़ना है, वही क्या कहलाता है हमारा, प्रत्याशा मान या माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा x1 p1 x2 p2 और x3 p3, ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा आ जाएंगे, तो इन सब का योग आएगा वही क्या है हमारा, ये हो गया हमारा माध्य, माध्य या प्रत्याशा मान। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखेंगे और ये दोनों बना देंगे,
हो गया। तो प्रायिकता बंटन, इसका मतलब पहले हमें यह आना चाहिए, ये प्रायिकता बंटन ही तो है। तो प्रायिकता बंटन से माध्य कैसे निकालते हैं कि भाई यह जो यादृच्छिक चर x होता है उसको उसकी संगत प्रायिकता से गुणा करके और फिर उसका क्या करते हैं, योग करते हैं, वही क्या कहलाएगा, उसका माध्य, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, प्रत्याशा मान कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखे आप यादृच्छिक चर का प्रसरण। यादृच्छिक चर का प्रसरण, इसको लिखेंगे हम वी ए आर एक्स, वेरियांस ऑफ एक्स, यानी प्रसरण को इंग्लिश में कहते हैं वेरियांस। तो इसका संकेत मिलेगा आपको वेरियांस एक्स, या आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है सिग्मा स्क्वायर एक्स, सिग्मा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, अब इसके दो सूत्र हैं, तो इजी वे वाला लिखें या हार्ड वे वाला लिखें इसका, इजी वे वाला देखो, ये किसके बराबर होता है, ई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इस मेरिस में अंतर दिखाई दे रहा है क्या कुछ है? एक तो है ई एक्स स्क्वायर, और किस में से घटाएंगे, इस में से किसको घटाएंगे हम, ई एक्स का होल स्क्वायर, ये ई एक्स हो गया और इसका भी क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर। इसको तो जानते हो आप, ई एक्स कौन था, अभी माध्य था ना, तो ये तो हो गया माध्य का स्क्वायर, लेकिन ये ई एक्स स्क्वायर कौन है, ई एक्स स्क्वायर कौन है, तो लिखें जहां ई एक्स स्क्वायर बराबर समेशन आई बराबर वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ई एक्स स्क्वायर बराबर समेशन आई बराबर वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, ये क्या है हमारा ई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकला, अभी देखो हमने ये लिखा था कि ये हमारा यादृच्छिक चर x है जिसके संगत वैल्यू थी x1 x2 x3 px था, उनकी प्रायिकता हम मान रहे थे p1 p2 और p3, यही मान रहे थे। अब इससे ex है वो तो हम सीधा निकाल लेंगे, यहाँ से ex निकालेंगे वो तो सीधा आ जाएगा हमारे पास समेशन i बराबर 1 टू n xi और pi, यही कहते थे। तो इसका मान तो यहाँ से सीधा मिल जाएगा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ये तो किसका मान आ गया, माध्य का। और माध्य का यहाँ क्या रखना आपको, स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, स्क्वायर रखना है। लेकिन ये क्या रामायण है, इसके लिए मैंने ये लिखा है आई बराबर वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर पी आई। इसका मतलब ये है कि भाई जो आपके पास एक्स वाले मान है ना, उनका क्या करोगे, पहले आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और फिर उसको संगत प्रायिकता से गुणा करोगे। ये तो लिखा है मैंने एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ये लिखा है ना। तो जो यादृच्छिक चर एक्स के मान हैं उनका क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। जैसे यहां से मैं ये निकालना चाहूं ई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये आएगा समेशन आई बराबर वन से, चलो अलग अलग लिख देता हूं, एक्स वन का स्क्वायर पी वन, एक्स टू का स्क्वायर पी टू और एक्स थ्री का स्क्वायर पी थ्री। अब तो बात समझ में आ गई होगी, अलग अलग खोल दिया मैंने इसको, तो इसमें ये ध्यान रखोगे ई एक्स स्क्वायर है न कि ई एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो यहाँ आ गया, तो ये तो किसका है, माध्य का स्क्वायर। और ई एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स जो यादृच्छिक चर दे रखे हैं उनका पहले वर्ग करना है और फिर उसको क्या करना है, संगत प्रायिकता से गुणा करना है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, प्रसरण कहलाता है। तो प्रसरण में ये लिखे आप, यहाँ तक की बात, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, तो ये बात सूत्र का एक्सप्लेन किया है, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट लिखे मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव,
भाई मानक विचलन क्या होगा, यहां से आपको देखो सिग्मा स्क्वायर मिल रहा है ना, तो इसका संकेत मिलेगा यहां आपको सिग्मा, सिग्मा एक्स, तो ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस सिग्मा आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस सिग्मा, यानी जो ये आएगा ना ये उत्तर आ गया, यहां से मान लीजिए आपके पास 25 आ गया, कितना आ गया 25, तो उसका क्या कर देना आपको वर्गमूल निकाल देना है, वो क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखो इस चैप्टर में हमने चार बातें पढ़ी हैं, इधर ध्यान देना, एक तो पढ़ा है प्रायिकता बंटन, यही पढ़ा है ना, प्रायिकता बंटन में क्या होगा x होगा उनकी संगत प्रायिकता होगी, तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, लेकिन इनके लिए ध्यान रखना आपको कि प्रायिकताओं का मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, प्लस इनका योगफल एक होना चाहिए, इसका मतलब हो गया हमारा प्रायिकता बंटन, नंबर एक बात हो गई। नंबर दो में हमने बात की माध्य या प्रत्याशा मान, माध्य या प्रत्याशा मान, इसके लिए हमने क्या किया कि भाई जो यादृच्छिक चर था और उनकी संगत प्रायिकता थी उनको आपस में गुणा करके जोड़ दिया, ये क्या हो गया उसका माध्य या प्रत्याशा मान हो गया। तीसरे नंबर में हमने बात की किसकी, प्रसरण की, वेरियांस की, तो वेरियांस के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा सूत्र है वेरियांस के लिए कि भाई ई एक्स स्क्वायर निकालो, ई एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो यादृच्छिक चर दे रखा है उसके x वाले मान है उसका वर्ग करो और उसकी संगत प्रायिकता से गुणा करके जोड़ दो, ये तो हो गया ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक हमने माध्य ऊपर निकाल लिया तो उस माध्य का ही क्या कर दो वर्ग उसमें से घटा दो, जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा प्रसरण कहलाएगा। और चार नंबर में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मानक विचलन, क्या पढ़ा मानक विचलन, तो मानक विचलन के लिए आपको क्या करना है प्रसरण यानी उसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट में अगर प्लस माइनस चिन्ह आता है तो उसमें से कौन सा लेना आपको प्लस वाला ही लेना है, हमेशा धनात्मक ही होता है मानक विचलन, इसलिए ये चार बात इस चैप्टर में हमने पढ़ी है, ठीक है। अब एक ही प्रश्न में आपसे चारों चीजें पूछ सकता है, वो एक प्रश्न दे दिया और कह देगा कि इसका क्या ज्ञात करो, प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, प्रसरण ज्ञात करो और मानक विचलन ज्ञात करो, ठीक है। तो छह नंबर में यहां से प्रश्न बन सकता है, चारों बातें पूछेगा, दो दो नंबर की या एक एक नंबर की कैसे भी सेट करके बना लेगा वो। तो ये सिस्टम था इस चैप्टर का, पूरा सार है वो कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, देखो क्वेश्चन नंबर दो देखो आपका, ये तो लिख लिया होगा आपने, हाँ क्वेश्चन नंबर दो में आपको ये कह रहा है कि दो सिक्कों के युगपत उछालने में, यानी दो सिक्कों का युगपत क्या होता है जोड़ा होता है, तो दो सिक्कों के युगपत को उछालने पर चित्तों की संख्या को, चित्तों की संख्या को यादृच्छिक चर x मानते हुए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पहले तो समस्ति बना लो आप, सबसे पहले एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो हमारे पास केस क्या बनेंगे, यही बनेंगे। और ये देखो आपको कह रखा है कि चित्तों की संख्या को क्या मानना है, यादृच्छिक चर मानना है, क्या मानना है यादृच्छिक चर, तो लिख देंगे हम कि भाई यादृच्छिक चर है वो कौन है, चित्तों की संख्या, यादृच्छिक चर चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या। अब ये देखना आपको, मैंने आपको ये कहा था कि यादृच्छिक चर है वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पर, उछालों पर, तो एक सिक्के को दो बार उछाल दो या सिक्के के एक जोड़े को एक बार उछाल दो, एक ही बात है। अरे एक तो एक सिक्के को दो बार उछाल दो तब भी ये समस्ती बनेगी, और मैं दो सिक्कों को एक साथ लेके उछाल रहा हूं तब भी यही समस्ती बनेगी। तो ये कह रहा है कि दो सिक्कों के युगपत को उछाला जाता है, इसका मतलब दो सिक्कों को एक साथ लेके उछाल रहा हूं तो उछाल तो कितनी होगी उसकी, दो ही हो गई। तो यादृच्छिक चर का मान हमेशा आपको किससे जोड़ना है, उछालों से जोड़ना है, तो उछाल कितनी है दो है ना, दो से कहां तक आ जाओ एक तक आ जाओ, इसका मतलब यादृच्छिक चर एक्स का मान कितना हो गया जीरो एक और दो, ठीक है। यानी एक सिक्के को दो बार उछालने वाली बात हो गई तो यादृच्छिक चर x का मान कितना हो गया जीरो एक दो। अब इसका आपको प्रायिकता बंटन बनाना है यानी इसकी टेबल बनानी है, x के मान लिखने हैं नीचे उसकी क्या लिखनी है प्रायिकता, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। देखो ये तो हो गया x
और ये हो गया हमारा पी एक्स। एक्स कौन कौन है? जीरो, एक और दो। अब यहां ध्यान देना है, ये एक्स किसको दर्शा रहा है? यहां में ध्यान देना है एक्स किसको दर्शा रहा है, ये देखो किसको दर्शा रहा है, चित्तों की संख्या को दर्शा रहा है। तो यहां से हम अलग अलग मान निकालेंगे पी एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब समझना है पी एक्स बराबर जीरो इसका मतलब चित्तों की संख्या कितनी है? जीरो है, ठीक है। तो इनमें से उठा के देखो कि जिसमें चित्त ही नहीं है वो केस कितने हैं आपके पास? एक ही है। इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें दोनों ही चित्त हैं, तो इसमें कितनी है? एक केस हमारे पास ऐसा है जिसका मान है वो कितना रहेगा? एक ही है ना, जिसमें एक भी चित्त नहीं है। अरे एक्स है वो किसको दर्शा रहा है? चित्तों की संख्या को दर्शा रहा है। तो यहां देखो इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो का मतलब चित्तों की संख्या नहीं है। तो एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें हमें कोई चित्त नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? एक। कितने में से? चार केस में से। तो प्रायिकता कितनी आ गई इसकी? एक बटा चार। इसका मतलब एक्स बराबर जीरो वाला कॉलम है उसके नीचे मैंने एक बटा चार लिख दिया, लिख दिया। दूसरी बार देखो पी एक्स बराबर एक, पी एक्स बराबर एक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक चित आना चाहिए। कितना चित आना चाहिए? एक। तो एक चित वाले ढूंढो कितने हैं? एक और दो। ये नहीं चलेगा, इसमें दोनों ही चित हैं। तो ये कितने केस हैं? दो। कितने में से? चार में से। प्रायिकता कितनी हो गई इसकी? दो बटा चार, काटेंगे तो कितनी आ गई? एक बटा दो। कितनी आ गई? एक बटा, इसमें एक बटा दो लिख दिया, ये लो, ठीक है। तीसरा केस ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर दो, इसका मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए? दोनों ही क्या होने चाहिए? चित होने चाहिए। वो केस कितने हैं? एक है। प्रायिकता कितनी हो गई? एक बटा चार। अब यहां खुद के मास्टर खुद ही बन सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो कि ये प्रायिकता हमारी सही है या गलत है। कैसे? देखो ऋणात्मक है क्या? नहीं है। इनका जोड़ करके देख लो, अगर एक आ रहा है तो आपकी प्रायिकता सही है, अन्यथा गलत है। आप खुद ही चेक कर लोगे कि यहां मेरा उत्तर सही है या गलत। देखो एक बटा चार प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो, तो पाव और पाव आधा हो गया, आधा आधा कितना हो गया? एक हो गया। इसका मतलब ये मेरा प्रश्न सही है। तो ये प्रायिकता बंटन पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर दो आपका हल हो गया। क्या हो गया? हल हो गया। अब देखो इसी प्रश्न को लेके मैं आगे और बात कर लेता हूं। ये तो अपना प्रश्न था, वो हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में मेरे से ये पूछता कि इसका माध्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, ये तो क्या हो गया? प्रायिकता बंटन हो गया। तो आपको अलग अलग ऐसे मान निकालने हैं और फिर ऐसे टेबल बना के आनी है, ठीक है। तो ये प्रायिकता बंटन, तो इसको तो उतारें आप। इसके बाद में इसका इसी प्रश्न में मैं सारी बातें आपको समझा देता हूँ। इसी का माध्य भी निकाल लेते हैं, प्रसरण भी निकाल लेते हैं और मानक विचलन भी निकाल लेते हैं। चारों एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है इनकी। तो ये तो हमारा क्या हो गया? प्रायिकता बंटन हो गया। अब इसके बाद अगर इसी प्रश्न का आपसे माध्य पूछे, माध्य या प्रत्याशा, और इसका संकेत होता है हमारा ई एक्स, और सूत्र होता है आई बराबर वन से एन एक्स आई पी आई, यही होता है। इसका मतलब इनको इनकी संगत प्रायिकता से गुणा करके जोड़ना है, जोड़ दो। ये हो गया जीरो इंटू एक बटा चार, एक इंटू एक बटा दो, और दो इंटू एक बटा चार। ये तो पहला तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया? एक बटा दो, और ये भी कितना हो गया? एक बटा दो ही हो गया, एक बटा दो। यानी माध्य कितना आ गया इसका? एक आ गया, आ गया। फिर मान लीजिए आपको इसका क्या पूछ रहा है? वेरियंस पूछ रहा है, प्रसरण, वेरियंस ऑफ एक्स। सूत्र लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही है। अब इसके लिए क्या करें? पहले इसको अलग से निकाल लें ई एक्स स्क्वायर को। तो ई एक्स स्क्वायर के लिए हम यहां टेबल बनाएंगे, ये एक्स और ये पी एक्स, या फिर इसका मान यहां से रख दो ई एक्स स्क्वायर, यहां निकालो अलग से ई एक्स स्क्वायर बराबर समेशन आई बराबर वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, यही तो है।
अब देखो इस x वाले का तो वर्ग करना है और इसके बाद में इसको इससे गुणा कराना है, ये किसका मान आएगा, एक्स स्क्वायर का मान आएगा, यही आएगा। इसका वर्ग करूंगा जीरो ही रहेगा, तो ये तो रह गया हमारा जीरो इंटू एक बटा चार, प्लस इसका वर्ग करूंगा कितना आएगा, एक ही रहेगा एक का वर्ग, तो यहां से कितना बन गया दूसरा पद, एक गुणा एक बटा दो। तीसरा देखो इसका वर्ग करना है, वर्ग करूंगा कितना हो गया चार, चार गुणा एक बटा चार, चार गुणा एक बटा चार। हल करेंगे इसको तो ये जीरो गया, ये एक बटा दो गया, ये एक हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया हमारे पास, तीन बटा दो आ गया। किसका मान आया है, ई एक्स स्क्वायर का मान आया है, ठीक है। ई एक्स का मान आपके पास पहले आ चुका है, ई एक्स का मान ये रहा कितना, एक, हमारा सूत्र ये रहा, यही तो है, इसमें रख दो। ई एक्स स्क्वायर का मान तो आ गया तीन बटा दो माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करके लिखना है, तो एक का वर्ग करेंगे एक आ गया, यानी इसका वेरियांस है वो कितना आ गया, एक बटा दो आ गया, यानी प्रसरण कितना आ गया, एक बटा दो आ गया, ठीक है। और लास्ट है वो क्या पूछता है, इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मानक विचलन, मानक विचलन, तो मानक विचलन सिग्मा एक्स, इसके लिए क्या करते हैं हम प्लस चिन्ह लेते हैं और किसका, प्रसरण का अंडर रूट, तो हमारे पास कितना आएगा, एक बटा रूट दो, कितना आ गया, एक बटा रूट दो, यानी जो आएगा उस पे रूट लगा के प्लस चिन्ह लगाना आपको, ठीक है। तो एक ही प्रश्न में हमने चारों बातें पढ़ ली, प्रायिकता बंटन पढ़ लिया, माध्य पढ़ लिया, प्रसरण पढ़ लिया और मानक विचलन पढ़ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर है, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर दो था वो तो माध्य तक था, लेकिन आपको कंप्लीट इसको उतारना है, एक में ही चारों बातें आ गई। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर तीन, देखें क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन में आपको ये कह रहा है कि चार खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए जाते हैं, तो कुल तो कितने हो गए भाई, चार तो खराब हैं और प्लस 16 अच्छे हैं, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, ये कुल संतरे हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि दो संतरों को निकालने में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यादृच्छिक चर x किसको दर्शा रहा है, जो खराब संतरे हैं उसको, तो यहां लिखेंगे यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर खराब संतरे, क्या हो गए, खराब संतरे, और ये हो गया हमारा कौन, x। अब देखो कितने संतरे निकाल रहे हो आप, दो निकाल रहे हो ना, इसका मतलब ये एक प्रकार से उछालों की संख्या ही हो गई दो, भाई जैसे कोई सामान निकाल रहे हो, जैसे पांच निकाल रहे हैं तो यादृच्छिक चर का मान जीरो से पांच तक होगा, ठीक है। उछाल कर रहा है इसका मतलब जीरो से जितने उछाल बता रहा है वही हमारा क्या होता है, यादृच्छिक चर होता है, तो यादृच्छिक चर का मान कितना हो गया, दो निकाल रहा है तो जीरो एक दो गया, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक तो हमारे पास टोटल 20 संतरे हैं, उसमें से खराब कितने हैं, चार, सही कितने हैं,
16, तो इनकी प्रायिकता भी होनी चाहिए हमारे पास कि भाई खराब संतरे की प्रायिकता क्या है। जैसे अभी निकाला था हमने कि एक सिक्के पे चित आने की प्रायिकता कितनी है, उस पे चित नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, वो केस देख के बता दिए थे हमने। ऐसे ही यहां से हम क्या करेंगे, खराब संतरे की प्रायिकता, खराब संतरों की प्रायिकता कितने हैं भाई, खराब चार ही तो हैं, कितने में से हैं टोटल में से, तो प्रायिकता कितनी हो गई 4/20 यानी 1/5। तो फिर अच्छे संतरे हैं ये खराब हो गए, और अच्छे संतरे हैं या सही हैं उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, या तो यहाँ से निकाल लो 16/20, 16 सही है 20 में से तो उससे निकाल लो, या इसको एक में से घटा के निकाल लो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1-1/5 यानी 4/5, कितनी हो गई 4/5 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका हमें प्रायिकता बंटन निकालना है, यादृच्छिक चर x का मान 0, 1 और 2 यही तो है। अब देखो, अब इस प्रश्न में आपको ये नहीं कहा है कि दो संतरे निकाल रहा है ना, तो आपको ये नहीं कहा है कि इसने वापस रख दिया या वापस नहीं रखा। पीछे हमने चैप्टर में बात की थी कि भाई बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंद निकालता है या 4 गेंद निकालता है, तो हम जो गेंद निकाल लेते हैं उसको वापस नहीं रखते हैं, उसको साइड में रख देते हैं। अब इस प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं दे रखी आपको, तो अगर आपको ऐसी कोई बात नहीं दे रखी किस में, प्रायिकता बंटन माध्य प्रसरण में, तो आप ये समझोगे कि भाई उसने वापस नहीं रखा है बिना प्रतिस्थापन के, ये शब्द नहीं देगा। अगर आपको ये कहेगा ना कि उसको वापस रखा है, तो ये लाइन आपको प्रश्न में देगा कि उसने निकाली है उसको वापस रख दिया। अगर ये लाइन आपको नहीं देता है, इसका मतलब ये समझना है कि उसको वापस उसने नहीं रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला केस है हमारा पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपके, इसके मतलब समझ में आना चाहिए। पी एक्स बराबर 0, एक्स किसको दर्शा रहा है, एक्स दर्शा रहा है खराब संतरों को, किसको दर्शा रहा है, खराब संतरों को दर्शा रहा है। तो खराब संतरों को दर्शा रहा है इसका मतलब पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब एक भी खराब संतरा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये तो हुआ पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब हम निकाल रहे हैं दो संतरे उसमें से एक भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होने चाहिए, दोनों ही सही होने चाहिए। तो सही होने की प्रायिकता कितनी है, 16/20 या फिर कितनी कह सकते हैं 4/5 कह सकते हैं। तो सही होने की पहला निकाला उसकी प्रायिकता हो गई हमारे पास 4/5, कितनी हो गई 4/5, या टोटल लिख दो, वैसे लिखते हो तो सही कितने हैं 16 हैं, कितने में से 20 में से, 16/20 एक निकाल लिया, अब उसको वापस नहीं रखेंगे, वापस नहीं रखेंगे, एक तो निकाल लिया रख दिया। अब बताओ आपके पास दूसरा भी कैसा होना चाहिए, खराब चलेगा क्या, x बराबर 0 का मतलब दोनों ही कैसे हैं, सही हैं, एक भी खराब नहीं है, क्योंकि x किसको दर्शा रहा है, खराब संतरों को दर्शा रहा है ना, तो x बराबर 0 इसका मतलब एक भी खराब नहीं है, और हम दोनों निकालेंगे वही कैसे हैं, अच्छे संतरा हैं। अच्छे कितने हैं 16 हैं, कितने में से 20 में से, तो ये पहले की निकालने की प्रायिकता तो हो गई 16/20, उसको तो निकाल दिया रख दिया। अब बताओ आपके पास अच्छे तो कितने हैं 15, अच्छे तो कितने हैं 15, टोटल कितने हैं 19 हैं, टोटल कितने हैं 19 हैं, ये कम हो गया टोटल में से भी, तो दूसरा निकाला वो भी अच्छा ही होगा हमारा, और वो हो गया 15/19, इन दोनों का गुणनफल लिख देंगे, वो तो हमारी पी एक्स बराबर 0 की प्रायिकता हो गई, ठीक है। अब दूसरा देखो, x का मान कितना है, दूसरा हमारे पास 1 है, पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब एक संतरा है वो कैसा होना चाहिए हमारे पास, खराब होना चाहिए, और एक कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब उसकी भी दो स्थितियां बनती हैं भाई, हमने पहला निकाला मान लीजिए वो खराब आ गया, पहला कैसा आ गया, खराब आ गया, तो दूसरा कैसा आना चाहिए, फिर सही आना चाहिए, क्योंकि एक ही खराब लेना है हमें तो, अरे दो में से कितने खराब लेने हैं एक, तो मान लीजिए फर्स्ट वाला खराब ले लिया तो दूसरा वाला सही लूंगा, या किसी ने दूसरे वाला गलत ले लिया या पहले वाला सही ले लिया, तो दूसरा कैसा लेना पड़ेगा, उसको खराब लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है एक ही संतरा क्या लेना, आपको खराब लेना है, ठीक है। इसका मतलब पहला जैसे मैंने गलत ले लिया यानी खराब ले लिया, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई 4/20 हो गई, इनटू अब दूसरा कैसा लेना है मेरे को, सही लेना है, सही कितने हैं 16, लेकिन देखो यहाँ टोटल संख्या में क्या हो गया, एक कम हो गया,
अरे ये एक निकाल लिया ना आपने खराब, तो खराब निकालिए इसका मतलब टोटल संख्या में तो एक कम हो गया, 19 ही बचेंगे, तो यहाँ प्रायिकता कितनी आएगी 16/19। एक केस तो ये हो गया भाई, पहला संतरा निकाला वो खराब हो गया और दूसरा कैसा है सही है, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि हमने निकाला फर्स्ट वाला ही कैसा है सही है, तो सही होने की प्रायिकता कितनी 16/20 इंटू दूसरा कैसा लेना आपको खराब लेना है, तो खराब है। अब देखो टोटल संख्या में यहाँ भी एक कम हो जाएगा, अब एक निकाल लिया ना आपने तो 20 में से एक कम करोगे कितना हो गया 19, खराब कितने 4, तो ये हो गया हमारा 4/19। इसको हल करके लिखेंगे वो पी एक्स बराबर एक का मान हो गया। ऐसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं पी एक्स बराबर दो, पी एक्स बराबर दो, इसका मतलब दोनों ही कैसे निकालने आपको खराब निकालने हैं, तो खराब की प्रायिकता 3/20, ये 4/20 इंटू 3/19, तो इनकी टेबल बना दोगे आप, इधर तो लिखोगे एक्स और यहाँ लिखोगे पी एक्स, ये एक्स बराबर जीरो एक और दो, और इनके नीचे आप क्या करोगे इनको गुणा करके लिख दोगे, इनका गुणनफल लिख दोगे तीनों का, तो ये क्या हो गया केवल प्रायिकता बंटन पूछा है, इतना ही पूछा हमसे, तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखें लिख लिया होगा इसको, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कह रहा है कि एक कलश है उसमें 4 तो आपके पास सफेद गेंद हैं, 4 तो सफेद गेंद हैं और 3 हैं वो लाल गेंदे हैं, 3 हैं वो लाल गेंदे हैं, 3 गेंदों के यादृच्छा निकालने पर लाल गेंदों की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यादृच्छिक चर क्या होगा, यादृच्छिक चर लाल गेंद निकालना, कितनी निकाल रहे हो गेंद 3 निकाल रहे हैं, तो यादृच्छिक चर का मान 0 से स्टार्ट होकर, जैसे अभी 2 निकाल रहे थे तो 0 से 2 तक जा रहे थे, अब कितनी निकाल रहा है 3, तो कहां से कहां तक चले गए यादृच्छिक चर x का मान 0, 1, 2 और 3 हो गया। और यह भी पता है कि x किसको दर्शा रहा है, गेंद कैसी होनी चाहिए लाल होनी चाहिए उसी को दर्शा रहा है, तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, तो कुल गेंदे तो कितनी हो गई, कुल गेंदे हो गई हमारे पास 7, ठीक है। अब चलो वही पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो हम 3 गेंद निकालेंगे उसमें से एक भी गेंद है वो लाल नहीं होनी चाहिए, एक भी गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तीनों गेंद कैसी होनी चाहिए सफेद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली सफेद गेंद निकालूंगा कितनी है 4, कितने में से 7 में से, प्रायिकता कितनी आ जाएगी 4/7, ठीक है निकाल ली, वापस नहीं रखूंगा इसको भी। अब बताओ एक निकाल ली तो कितनी बची, यहां 3 बची ना, टोटल संख्या में भी कितनी कम हो गई एक कम हो गई, तो अगली कितनी आ जाएगी 3/6, इससे अगली कितनी आ जाएगी 2/5, 3 निकालनी थी 3 निकाल ली, तो ये तो हो गया हमारा पी एक्स बराबर जीरो। तो इनका सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, द्वितीय 6, 3 एकम 3 और यहां से हमारे पास कितना आ गया 4/7 = 35, ये तो पी एक्स बराबर जीरो का मान आ गया। ऐसे ही हम बात करें पी एक्स बराबर एक, पी एक्स बराबर एक है इसका मतलब क्या हुआ कि एक गेंद है वो क्या होनी चाहिए लाल होनी चाहिए। अब देखो स्थितियां यहां मेरे पास ये हो सकता है
एक गेंद ही लाल होनी चाहिए। जैसे सफेद है उसको मैं W से कह दूं, R है उस लाल है उसको R से कह दूं। तीन गेंद निकालनी है, क्या क्या स्थितियां आपके पास बन सकती हैं देखना। मैं कहूं पहली गेंद सफेद है, दूसरी लाल है और फिर तीसरी सफेद है। इस केस में आपको लाल कितनी दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है। एक केस तो ये हो सकता है, प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, लाल हो सफेद हो फिर सफेद हो, प्लस तीसरा केस ये हो सकता है सफेद हो और फिर लाल हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई केस दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये केस भी हो सकता है। भाई इसमें तो दो नंबर की लाल हो गई, इसमें एक नंबर की लाल हो गई और इसमें तीन नंबर की लाल हो गई। इसके अलावा अगर आपको और कोई केस दिखाई देता है तो उसको भी आप लिख सकते हो, बाकी दिखाई देगा नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, अब पी डब्ल्यू आर डब्ल्यू, इसका मतलब पहली कैसी गेंद निकाली आपने, सफेद निकाली। सफेद कितनी है, चार, कितने में से, सात में से, तो इसकी प्रायिकता तो हो गई चार बटे सात। इंटू दूसरी कैसे निकालनी है, लाल, तो लाल कितनी है, तीन, लेकिन एक गेंद निकाल चुके हैं हम, इसका मतलब टोटल संख्या में से एक कम हो जाएगी तो हमारे पास कितनी आएगी, तीन बटा छः। इंटू फिर से आपको कैसे निकालनी है, सफेद निकालनी है, तो ये तीन इंटू पाँच, एक फिर से कम हो गई, अरे यहाँ निकाली तो एक कम हो गई टोटल में से, फिर यहाँ निकाली तो आगे भी एक कम हो गई, प्लस पहले आपको कैसे निकालनी है, लाल निकालनी है, तीन बटा सात, फिर चार बटा छः, फिर तीन बटा पाँच, फिर पहले सफ़ेद निकालेंगे चार बटे सात, दूसरी सफ़ेद निकालेंगे तीन बटा छः और लाल निकालेंगे तो तीन बटा पाँच। ये हमारे पास स्थितियां बन गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो ये गुणाई तो हैं, चार बटे सात, तीन बटा छः, तीन बटा छः और तीन बटा सात, और जो कट रहे हैं उसको काट दो यहीं। ये तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, दो एकम दो और दो दूनी चार, ठीक है। तो ये तो आ गया छः बटे पैंतीस, प्लस इसको काटेंगे तीन दो, तो ये हो गया हमारा वही छः बटा पैंतीस, और इसको काटेंगे तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी कितना हो गया छः बटा पैंतीस, तो छः दूनी बारह, छत्ती अट्ठारह, यानी इसका मान आ गया हमारे पास अट्ठारह बटा पैंतीस। कितना आ गया, अट्ठारह बटा पैंतीस। ये हमारा केस नंबर क्या आ गया, दो। अब बात करें हम किसकी, पी एक्स बराबर दो, इसका मतलब दो गेंदें कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दो गेंदें हैं वो लाल होनी चाहिए। जैसे ये लिखा मैंने आर आर डब्ल्यू, इसका मतलब दो गेंदें लाल हो गई, एक कैसी हो गई, सफेद। दूसरा केस क्या हो सकता है, आर डब्ल्यू आर, और प्लस तीसरा हो सकता है डब्ल्यू आर आर, डब्ल्यू आर आर, यानी पहली सफ़ेद है फिर लाल आ गई, फिर भी लाल आ गई। अब इनकी प्रायिकता निकाल लो, लाल गेंद होने की प्रायिकता वही तीन बटा सात, फिर हो गई दो बटा छः और ये हो गई चार बटा पाँच। लाल गेंद होने की प्रायिकता तीन बटा सात और सफ़ेद होने की प्रायिकता चार बटा छः, और फिर से लाल गेंद होने की प्रायिकता दो बटा पाँच, फिर सफ़ेद होने की प्रायिकता चार बटा सात, लाल होने की प्रायिकता तीन बटा छः और फिर से दो बटे पाँच। इसको वापस से सोल्व करेंगे, दो एकम दो, द्वितीयम छः, तीन से तीन कैंसिल, चार बटा पैंतीस, दो एकम दो, द्वितीयम छः, तीन से तीन वही चार बटा पैंतीस, और आगे वाले कॉल करोगे भी चार बटा पैंतीस, तो चार दूनी आठ, चार ती बारह, ये हो गया बारह बटा पैंतीस। और लास्ट केस है हमारा पी एक्स बराबर तीन,
इसका मतलब तीनों गेंदे ही कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो लाल होने की प्रायिकता 3/7 इंटू 2/6 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 2, 3 × 6 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/35। ऐसे फिर हम इसकी टेबल बना देंगे, ये हमारा एक्स और ये हमारा पी एक्स, ये 0, 1, 2 और 3। तो 0 है उस पे तो प्रायिकता कितनी आई 4/35, 1 है उस पे आई 18/35, 2 है उस पे आई 12/35 और 3 है उस पे आई 1/35। तो ये क्या बन गया, हमारा प्रायिकता बंटन बन गया। उतार लें इसको आप। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं के ढेर में से 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं। इसका मतलब कितनी खराब है, 3 हैं, कितने में से, 10 में से। तो वस्तु के त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता है वो तो कितनी आ गई, 3/10, और सही होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 7/10। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इन ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छ निकाला जाता है। कितनी वस्तुएं निकाली जाती हैं, 4। इसका मतलब यादृच्छिक चर x है उसका मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। भाई जितनी वस्तु निकाली जाती हैं उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, वही हमारा क्या हो गया, यादृच्छिक चर हो गया। 4 वस्तुएं निकाल रहे हैं और फिर इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श निकाला जाता है। माना कि प्रतिदर्श में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या को यादृच्छा चर माना है। त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को क्या माना है, यादृच्छा चर। अब देखो इस प्रश्न में थोड़ी सी समझने वाली बात है भाई, अभी हमने कहा था कि जितनी वस्तुएं निकाली जाती हैं उसको क्या माना जाता है, यादृच्छिक चर। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना है, जैसे मैं कहूं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और मैं कहूं कि मेरे को 11,000 रुपये दो, दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, हैं ही आपके पास 10,000 तो 11,000 कहां से दोगे। तो ऐसी स्थिति इस प्रश्न में है। देखो ये कह रहा है कि यादृच्छिक चर है वो किसको दर्शा रहा है, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को, और त्रुटिपूर्ण वस्तुएं कितनी है हमारे पास, 3, जबकि हमें वस्तुएं कितनी निकालनी है, 4। इसका मतलब यादृच्छिक चर है उसका मान हमारा 0, 1, 2 और 3। ये बात समझने वाली थी इस प्रश्न में कि भाई यादृच्छिक चर x का मान, वस्तु तो हम 4 निकाल रहे हैं लेकिन यादृच्छिक चर है वो किसको दर्शा रहा है, खराब वस्तुओं को दर्शा रहा है। तो खराब वस्तु कितनी है हमारे पास, 3 ही है, तो हम 4 कहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 वस्तुओं का प्रतिदर्श हो गया कि भाई एक भी खराब नहीं है, एक समूह उसका बन गया, एक खराब है उसका एक समूह बन गया, 2 खराब है उसका एक समूह बन गया, 3 खराब है उसका एक समूह है। तो समूह तो कितने बन गए, 4 बन गए हमारे पास। लेकिन यादृच्छिक चर का मान कितना, अगर इस प्रश्न में ये कहता कि यादृच्छिक चर है वो सही वस्तुओं को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, सही वस्तुओं को दर्शाता है, उस केस में हम यादृच्छिक चर x का मान 0, 1, 2, 3, 4 ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास वस्तुएं खराब ही कितनी है, 3, तो 3 में से आप 4 कहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में यादृच्छिक चर का मान का ध्यान रखोगे, x बराबर कितना लेना आपको, 0, 1, 2 और 3। अब ये कह रहा है, पहला पार्ट में ये कह रहा है कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। इसका मतलब वही बात निकालनी आपको, पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब कितनी वस्तुएं निकालनी है आपको, 4 निकालनी है। कितनी निकालनी है वस्तुएं, तो 4 निकालनी है, लेकिन 4 ही कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो सही होने की प्रायिकता बताओ पहले, तो
त्रुटि रहित, त्रुटि रहित वस्तुओं की प्रायिकता, वस्तुओं की प्रायिकता कितनी है भाई? कितनी है? 7/10 है। सही वस्तुएं कितनी है? 7 है। या फिर ऐसे लिख लो इसको कि भाई त्रुटि रहित वस्तुएं तो कितनी है, फिर प्रायिकता लिखते जाएंगे साथ ही। त्रुटि रहित वस्तुएं बराबर 7 और त्रुटिपूर्ण वस्तुएं, त्रुटिपूर्ण वस्तुएं ये कितनी है? 3। या हो गई हमारे पास कुल कितनी? 10। ठीक है। यादृच्छा चर क्या है? यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर त्रुटिपूर्ण वस्तुएं, त्रुटिपूर्ण वस्तुएं बराबर कितना हो गया? 0, 1, 2 और 3। अब त्रुटिपूर्ण वस्तुएं हमारे पास 3 हैं, तो 0 से 3 तक क्या हो गया? यादृच्छिक मान हो गया। अब ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, इसका मतलब सब पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर 0, 4 वस्तुएं निकालनी है, एक भी खराब नहीं है। क्या नहीं है? एक भी खराब नहीं है। तो देखो सही वस्तुएं कितनी है? 7। कितने में से? 10 में से। तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी? 7/10। पहली गए निकालने की तो 7/10 हो गई पहली वस्तु को। अब दूसरी निकालोगे तो इसको वापस नहीं रख रहे हम, तो कितनी हो गई? 6/9, 5/8 और यहाँ हो गया 4/7। ये तो किसका मान आ गया? x बराबर 0 का। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और द्वितीयम 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 से 7, यानी हमारे पास कितना आ गया? 1/6। कितना आ गया? 1/6। ऐसे ही हम बात करें पी एक्स बराबर 1। पी एक्स बराबर 1 इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु है वो क्या होनी चाहिए? खराब। तो उसके जितने केस बनते हैं ना सारे लिखने हैं। जैसे खराब है, सही है और खराब है, उसका कोई भी संकेत ले लो। जैसे सही वस्तु है उसको तो अब रॉन्ग का भी W होता है और राइट का R होता है, तो राइट वस्तुएं हैं उसको तो R से दर्शा देते हैं और जो गलत वस्तुएं हैं उसको W से दर्शा देते हैं। ठीक है। इसका मतलब एक केस तो ये बनेगा, एक ही वस्तु आपको क्या लेनी है? खराब लेनी है। तो एक केस तो ये हो गया जैसे W और फिर मैंने ले लिया R, 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 एक गलत आ गई ना इसमें, अरे एक वस्तु खराब आ गई। फिर प्लस दूसरा केस, पहली वस्तु सही है, दूसरी गलत हो गई, तीसरी गलत है, तीसरी चौथी भी गलत है। पहली सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी गलत है, चौथी गलत है। और पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है और चौथी गलत है। इसके अलावा और कोई केस आपके पास है तो लिख सकते हो, नहीं है। अब इनकी प्रायिकताएं आपको लिखनी है। अब पहली वस्तु है वो गलत होने की प्रायिकता कितनी है? 3/10। कितनी हो गई? 3/10। दूसरी वस्तु है वो सही होने की प्रायिकता कितनी है? 7/9। नीचे वाली कम हो जाएगी क्योंकि एक निकाल ली हमने। फिर कितनी हो जाएगी? 6/8। फिर कितनी हो जाएगी? 5/7। हो गया ये केस पूरा। ऐसे इसकी बात करें, पहले वाली सही होनी चाहिए तो सही होने की हो गई 7/10, गलत होने की हो गई कितनी? 3/9, फिर हो गई 6/8 और फिर हो गई 5/7। प्लस यहाँ से सही होने की प्रायिकता है 7/10, फिर 6/9, फिर 3/8 और फिर वापस से 5/7। प्लस सही होने की प्रायिकता 7/10, 6/9, 5/8 और इसकी हो जाएगी 3/7। ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे? वापस से हल कर लेंगे। तो देखो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और द्वितीयम 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से आया 1/8। ऐसे ही स्कॉल करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, द्वितीयम 6,
तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन से तीन कैंसिल, सात से सात कैंसिल, यानी प्रत्येक को हल करेंगे तो एक बटा आठ, एक बटा आठ, एक बटा आठ आएगा, जो कि चार बटा आठ बन गया, जो कि कितना है एक बटा दो बन गया। ऐसे ही हम बात करें किसकी, पी एक्स बराबर दो की, इसका मतलब आपके पास इनको घुमा घुमा के लिखोगे, कैसे, दो के सही क्या आने, ये दो हैं वो त्रुटिपूर्ण आनी चाहिए, दो क्या आनी चाहिए सही आनी चाहिए, तो हो सकता है हमारे पास कि दोनों पहले वाली क्या हो गलत हो, आगे वाली क्या हो सही हो, एक केस तो ये हो गया। प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, पहली सही हो, ये पहली दोनों हैं वो सही हो और लास्ट वाली दोनों क्या हो गलत हो। तीसरा केस क्या हो सकता है, पहले वाली सही है, दूसरी है वो गलत है, तीसरी गलत है, चौथी सही है, ये तो हुआ। एक केस ये भी बन सकता है हमारे पास कि पहले वाली सही है, दूसरी गलत है, तीसरी सही है, चौथी गलत है। इसके अलावा और कोई केस आपको दिखाई दे रहा है वो बता सकते हैं, इनके अलावा शायद और कोई नहीं होगा। अब वापस से इनकी क्या लिखनी है आपको, प्रायिकता लिखनी है और उसको हल करना है। जैसे इनकी प्रायिकता यहां लिख देता हूं मैं, पी एक्स बराबर दो, तो गलत होने की प्रायिकता है वो है हमारे पास कितनी, तीन बटा दस, फिर हो गई दो बटा नौ, इंटू सही होने की प्रायिकता हो गई सात बटे आठ, इंटू सात बटा ये छः बटा सात, एक केस तो ये हो गया। दूसरे केस की बात करें, आर सही है तो ये हो गया सात बटा दस, फिर छः बटा दस, फिर हो गई तीन बटा ये नौ, तीन बटा आठ और दो बटा सात, प्लस पहली सही है ये गलत है तो तीन बटा दस, फिर सही है तो सात बटे नौ, फिर गलत है तो दो बटा आठ, फिर छः बटा सात, फिर पहली सही है सात बटे दस, दूसरी गलत है तीन बटा नौ, सही है छः बटा आठ और इनटू गलत है तो दो बटा सात। तो इसको वापस से सॉल्व करेंगे हम पी एक्स बराबर दो के लिए, तो यहाँ से देखेंगे हम तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, और ये चार हो गया, और ये चार दूनी आठ, सात से सात कैंसिल, यानी एक बटा दस। दूसरे को हल करेंगे, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, सात से सात कैंसिल, ये 20 होगा भाई, 10 इंटू दो 20, यानी इसका एक बटा बीस, एक बटा बीस आएगा, तो ये हो गया चार बटा बीस, यानी एक बटा पांच। ये किसका मान आ गया हमारे पास, x बराबर दो का। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, पी एक्स बराबर तीन का निकाल लेंगे। तो पी एक्स बराबर तीन में तो कोई परेशानी नहीं है, तीनों ही वस्तु कैसी होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए, तो ये हो गया तीन बटा दस इंटू तीन बटा नौ इन ये दो बटा नौ और इंटू एक बटा आठ, यानी ये हो गया तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, दो एकम दो, पाँच दूनी दस, तो ये हो गया एक बटा पंद्रह इंटू एक सौ बीस, ये हमारे पास इसके क्या आ गए, मान आ गए, यही आ रहे हैं मान सबके। अब देखो इसमें से ये तो प्रायिकता बंटन था, इसका मतलब इसकी टेबल बना देंगे इन मानों की। अब आगे प्रश्न आपसे और पूछ रहा है, सेकंड प्रश्न है इसका कि पी एक्स लेस देन इक्वल वन, पी एक्स लेस देन इक्वल वन, इसका मतलब समझना है कि x का मान एक भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब किस किस का योग करोगे, x का मान एक भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, इसका मतलब जीरो और एक वाले का जोड़ करोगे, किसका करोगे, जीरो और एक वाले का। तो इसके बराबर में लिख दोगे आप पी एक्स बराबर जीरो और प्लस पी एक्स बराबर एक, तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग करके आपको लिखना है।
पी लेस देन इक्वल वन के लिए ये केस हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद अगला है पी एक्स लेस देन वन, तीसरा केस है पी एक्स लेस देन वन। इसका मतलब x का मान है वो एक से छोटा होना चाहिए, तो वो तो एक ही मान है हमारे पास, कौन है? इसका मान हो गया पी एक्स बराबर जीरो। कितना हो गया? पी एक्स बराबर जीरो। और लास्ट केस है इसका चौथा, चौथे केस में आपको ये पूछ रहा है कि p है वो जीरो लेस देन x लेस देन टू, यानी x का मान न तो जीरो है न दो है, तो कौन बच गया फिर? एक बच गया। तो किसका मान पूछ रहा है? पी एक्स बराबर एक का मान पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 5। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं उसको आप आगे और हल करोगे, बाकी कल करते हैं।